नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, हमने अक्सर सुना है कि ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु मनुष्य बनाए हैं उनमें कोई ना कोई गुण अवश्य है। हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई छुपी हुई शक्ति है। अगर वो उसका सही ढंग से उपयोग कर ले तो जीवन में बहुत सफलता हासिल कर सकता है। अगर व्यवहार में थोड़ी सी तब्दीली कर ले, काम करने के ढंग में थोड़ी सी तब्दीली कर ले, जातक को मालूम हो कि क्या करे कि उसको सफलता मिले, धन मिले, मान सम्मान मिले, लोकप्रिय हो, तो भाई ये सभी बातें कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि होती है उसमें छिपी होती है। देखिए, अष्टम भाव कैसे ढूंढे, ये एक भाव होता है, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छः, सात, आठ, ये अष्टम भाव हो गया। तो इस भाव में जो राशि होगी, अष्टम भाव में जो राशि होगी वो तय करेगी कि आप में कौन सी शक्तियां, कौन सी गुप्त शक्तियां छुपी हुई हैं। अष्टम भाव का पार अभी तक किसी ने नहीं पाया। अष्टम भाव को पताल का भाव कहा जाता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और जीवन में जितनी गुप्त बातें हैं जो हम दूसरों को बताने में हिचकिचाते हैं, वो सभी बातें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। जैसे गुप्त अंग, गुप्त रिलेशन, किसी का पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध है, लेकिन मन में ये डर कि मेरे बच्चों को इस बात का इल्म ना हो जाए, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त अंग, गुप्त रोग और गुप्त शक्तियां, अगर इन शक्तियों को जीवन में एक्टिवेट कर लिया जाए, सक्रिय कर लिया जाए, तो भाई जातक अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अष्टम भाव में जो राशि है वो तय करती है कि आप में ऐसे कौन से यूनिक गुण है कि ऐसा गुण जो सभी में नहीं होता आप में है। अगर जीवन में उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही देखिए कैसे आपका जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। आइए अष्टम भाव में विराजमान प्रत्येक राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहली राशि मेष, अगर अष्टम भाव में एक अंक लिखा हो तो देखिए जिस राशि में चंद्रमा विराजमान होता है वो जातक की राशि होती है। वो जातक का एक मखोटा होता है, यानी बाहर से कैसा है, जो अंदर उसके छुपा हुआ गुण है, अंदर उसके छुपी हुई शक्तियां हैं, वो चंद्रमा की राशि नहीं बताती। वो अष्टम भाव में जो राशि है वो राशि बताती है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। अगर उसको बाहर निकाले तो जीवन में आप बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। मेष राशि की बात कर रहे थे, देखिए मेष राशि अष्टम भाव में हो तो हमेशा एक्शन मोड में रहें।
तैयार बल तैयार रहे और कंफर्ट जोन, एसी में बैठे हैं, किसी क्लाइंट का फोन आ गया, साथ ही साथ वहां जाएं, उसका काम करें। ये नहीं कि कोई बहाना लगा दिया कि बाहर गर्मी बहुत है, मैंने नहीं जाना। कड़ी मेहनत, समस्या किसी भी तरह की जीवन में आ जाए, दूर करने की कोशिश करो। आप समस्या इस तरह भगा कर ले जाओगे जैसे जब हवा चलती है तेज तो बादलों को भगा कर ले जाती है। कोई भी समस्या हो आपको दूर करनी है, कोई भी नीति अपनाइए, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनाइए, कानूनी गैर कानूनी ढंग, लेकिन समस्या दूर कीजिए। आदर्शवादी नहीं बनना समस्या दूर करने में। इसके अलावा पात्र कुपात्र देखकर आपको अपने जीवन में व्यवहार करना पड़ेगा, डंडा भी उठाना पड़ेगा और पैर भी छूने पड़ेंगे। अपने आप को परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, अगर मेहनत करनी छोड़ दी तो भाई उसी दिन से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। समझ लीजिए समाज में आपकी लोकप्रियता कम होनी शुरू हो गई। जितनी भी उम्र है, जितनी भी क्षमता है, हमेशा मेहनत करते रहिए, हमेशा बिजी रहिए। अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना है, फ्री नहीं बैठना। अगर फ्री बैठोगे तो किसी ना किसी से झगड़ा कर बैठोगे। किससे काम निकलवाने के लिए डरने का, झुकने का, दिखावा करना पड़ेगा। दिल दुखी होगा कि मैंने इसके सामने झुकना नहीं, लेकिन ये कल युग है। सफलता के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा। मेष राशि का जो चिन्ह है वो है मेढ़ा, इसलिए यह बात नहीं चलेगी कि मूड हुआ तो काम कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। अपनी धुन में सवार होकर अगर चलोगे तो भाई बना बनाया काम बिगाड़ लोगे। दूसरों की धुन के अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ, एक बार दूसरे की धुन के अनुसार आप चल दिए, फिर आप उसको अपनी धुन के अनुसार चला सकोगे, इतना पक्का है। ये गुण आप में विराजमान है। आगे चलते हैं कि दो नंबर की राशि हो अष्टम भाव में वृषभ राशि हो, तो आपकी राशि का जो चिन्ह है वो है बैल। भाई पिछले जो जमाना हुआ करता था, बैल की बहुत महत्ता थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है तो आपने कैसे तरक्की करनी है, यानी कि बिना प्लानिंग के दूसरों की बातों में आकर दिशाहीन मेहनत नहीं करनी। जो भी मेहनत करनी है सोच समझकर एक दिशा में कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि बुद्धि का उपयोग अधिक हो, मेहनत कम करनी पड़े। अगर आपके नीचे कर्मचारी काम करते हैं तो कूटनीति से सभी में अपना काम बांट दीजिए, ताकि आपकी सिर्फ सुपरविजन ही हो। ये बात दिमाग में नहीं रखनी कि सभी काम मैंने ही करने हैं। मेहनत अगर दिशाहीन होकर करोगे तो फल नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा
कि अब टेक्नोलॉजी के साथ बैल की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, पहले बहुत कदर थी। तो जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया, ग्रंथ लिखे गए, उस समय बैल की बहुत इम्पोर्टेंस थी। जिन जोगों में लिखा गया है कि जातक के पास बहुत हाथी घोड़े होंगे, अगर वो जोग किसी की कुंडली में आज के समय विराजमान हो तो उसके पास भाई गाड़ियां बहुत होती हैं। इसी तरह वृषभ राशि हो तो आपको लोगों को अपनी वैल्यू दिखानी होगी, आप में कितना टैलेंट है, कितना जोश है, आप में कितनी शक्ति बड़ी पड़ी है, ये लोगों को दिखानी होगी आपको। ये नहीं कि जीवन में कोई रिस्क ही नहीं लेना, यह नहीं सोचना कि मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं तो बहुत है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। भाई जितनी ऊर्जा आप में छिपी हुई है, अगर एक बार किसी के कहने पर आपने उसका काम कर दिया तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। दूसरों को अपनी वैल्यू दिखाएं, फिर आप जीवन में कामयाब होंगे और आपकी कदर होगी। और मेहनत करनी हो सही दिशा में मेहनत करें, रिस्क लेने से बिल्कुल ना घबराएं। अपने स्वभाव में सीधापन नहीं लेकर आना कि किसी ने कहा ये रास्ता अच्छा है, ठीक है भाई इधर चले जाते हैं। दूसरे बंदे ने कहा नहीं ये रास्ता अच्छा नहीं है, ठीक है भाई इधर चले जाते हैं। किसी ने कहा मेरा ये काम कर दो, अपना काम छोड़कर उसका काम करने लग गए। तो भाई अगर इस तरह से आप जीवन जिएंगे तो आपका गृहस्थ जीवन भी अपसेट रहेगा और जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाओगे। और जितनी मेहनत करोगे समाज में और परिवार में उतना मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ख्याल रखकर मेहनत करें। जो गुण आप में है आप हीरे हो, ये सोचकर आपको जीवन जीना है। अगली राशि मिथुन राशि, 3 नंबर लिखाओ अष्टम भाव में, तो आपको की जो सफलता का राज है वो है कभी भी दूर की नहीं सोचनी, कभी भी प्लानिंग नहीं करनी। 2 महीने बाद काम करना हो अभी से उसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी, अभी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। समय के अनुसार जैसा मौका होगा उस समय पर आप निर्णय लीजिए और 100% आपका निर्णय सही साबित होगा। बुद्धिमान आप बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक बुद्धि आपकी असफलता का कारण है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जीवन में आवश्यकता से अधिक बुद्धि का प्रयोग करते हो जो आपकी असफलता का कारण बनता है। इसलिए बुद्धि का उपयोग एक लेवल तक कीजिए। कोई घटना घट गई, क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ही होना था, घट गई एक तरफ रखिए और आगे चलिए। कल्पनाएं आप बहुत करते हैं, सोच सोच में जहाज खरीद लेते हैं। आपकी कामयाबी का जो राज है, 1, रिस्क लेना, 2, बुद्धि का उपयोग एक लिमिट तक करना, और 3, सबसे विनम्रता के साथ व्यवहार नहीं करना कि ऐसा लगे
कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत समझदार हूँ, मुझे बातचीत करने का ढंग है। देखिए जो हमारा माहौल है उसके हिसाब से बातचीत करने के ढंग को व्यवहार कुशल कहते हैं। अगर आपने सभी के साथ विनम्रता पूर्वक बातचीत करनी शुरू कर दी तो लोग इस आपको विद्वान बुद्धिमान नहीं कहेंगे, आपको डरपोक कहेंगे कि इससे तो कोई भी कार्य निकलवा लो। अगर आपसे कोई गलत बात कह देता है, मजाक में ही कह दे, फिर आपको एकदम बहुत बुरी लगती है। पहले तो अपना व्यवहार आप इस तरह का बना लेते हो कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो आप कोई भी आपको यूज कर ले। फिर जब कोई थोड़ी सी कड़वी बात कह देता है फिर दिल को लगा लेते हो, फिर ये सोचते रहते हो कि इसका बुरा मैं कैसे करूं। तो भाई पहले ही जीवन जीने का ये ढंग अपनाए कि आपको कोई जूझ ना कर सके और प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। इसके अलावा अपने नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र का आपको ध्यान रखना है। दिमाग पर कोई वजन नहीं लेना। हाथ पैर जब सुन्न होने लग जाए तो लाइफ को उस दिन से सीरियस लेना छोड़ दे कि जो होगा देख लेंगे। दिमाग पर कोई वजन नहीं। इसके अलावा कभी ऐसा मौका भी आता कि किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते। हल क्यों नहीं ढूंढ पाते? बुद्धि अधिक लगाते हो, अगर मैंने जे कर दिया तो जे हो जाएगा। एक्शन के साथ रिएक्शन डबल सोच लेते हो। तो भाई जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए लाइफ में तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि भगवान जो आप करेंगे मुझे मंजूर होगा। जैसे बहते पानी में लकड़ी का टुकड़ा चलता है वैसे जीवन में चलिए, और ये सोचकर चलिए कि ईश्वर ने पार लगा दिया तो भी अच्छा, डुबो दिया तो भी अच्छा। तो देखिए कैसे आप जीवन में सफलता हासिल करते हैं। अगली राशि कर्क राशि, 4 नंबर की राशि, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कर्क राशि हो तो आपकी कामयाबी का राज जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी अवसर आए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपने रिस्क भी लेना है, भावनाएं भी छोड़नी है। और जैसे केकड़ा होता है अपने शिकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश करता है ताकि हाथ से ना निकल जाए, उसी तरह से कोई भी अवसर आए आपके जीवन में भावनाओं को एक साइड पर रखिए, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाए और उस अवसर का पूर्ण लाभ लीजिए। अगर किसी का नुकसान करना पड़ रहा हो तो गुप्त ढंग से उसका नुकसान कीजिए तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। इसके अलावा जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले जीवन में, तब तक आप अपने लक्ष्य की बातें कि मैंने ये लक्ष्य प्राप्त करना है इसको बिल्कुल गुप्त रखें, क्योंकि कर्क राशि अष्टम भाव में आ गई, अष्टम भाव गुप्त है तो लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पर बहुत जल्दी असर करेगी। जिसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, माता पिता दादा दादी, कि
नजर लग गई है, तो वो अब नेगेटिव एनर्जी, उसको मैं बोल रहा हूं कि वो आप पर बहुत जल्दी असर करेगी। तो गुप्त ढंग से जीवन जीना है आपने, लोग आपको बहुत जल्दी समझ लेते हैं और आपको अपने ढंग से चला लेते हैं, लेकिन लोग आपको समझे इससे पहले अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर आप लोगों को समझ लें और उनको अपने ढंग से चलाएं। ये नहीं कि इसको ये नुकसान हो जाएगा, इसको वो नुकसान हो जाएगा। अगर आप ये सोचने लग गए तो वो आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर देंगे। अपना कार्य गुप्त रूप से प्राथमिकता से करें, उसके बाद दूसरों का काम करना है। आपसे कोई काम कह दे, सभी अपने कार्य छोड़कर जब तक उसका काम नहीं कर लेते तब तक आपके दिमाग को चैन नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। अगर मन अपसेट हो गया हो, जीवन अपसेट हो गया हो, तो आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर अपसेटनेस आ जाए तो पहले अप हो, उठे और अपने आप को फिर सेट करें। इस तरह अपने अपसेटनेस को आपने दूर करना है, खड़े होकर अपने आप को सेट करना है, फिर आप सही निर्णय ले पाओगे और जीवन में कामयाब हो सकोगे। हर्निया का और सर्दी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, इनको इग्नोर नहीं करना, इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखना। तो भाई अष्टम भाव में पांच नंबर का अंक लिखा हो, सी राशि बनती है, शेर है इसका प्रतीक, बहुत जंगल का राजा है, बहुत महिमा है शेर की। और शेर जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस नहीं आता, यानी जिसका आपने बुरा कर दिया हो, अगर आपको मालूम हो कि इसको पता है कि मैंने इसका बुरा किया है, तो दो चार महीने उसके नजदीक ना जाए। बुरा आपको करना पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव में शेर की राशि है। अगर शेर जानवरों से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। इसी तरह अगर आप अच्छाई के रास्ते पर ही चलते रहोगे तो फिर वही सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए दिल और दिमाग में जो कश्मकश चल रही हो कि मैं ये कार्य करूं ना करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो डिसीजन ले रहे हैं आपको। अगर जीवन में कामयाब होना है जिसमें दिखावा करना पड़े, लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करनी है, जेब में 100 रुपए नहीं है, लोगों को लगना चाहिए कि इसके पास तो करोड़ों रुपए हैं। आपके अंदर जो गुप्त गुण छिपे हुए हैं, राजाओं के जैसे हैं, लोगों को भी ऐसे गुण दिखाएं। कभी चार बंदों में चार पैसे अधिक खर्च करने पड़ जाए तो आगे होकर खर्च कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि बहुत बड़े दिल वाला इंसान है, इसके पास बहुत पैसा है। अगर आप अपनी छाप इस तरह की बना लोगे तो आसपास के लोगों से आप बहुत अधिक लाभ ले सकोगे। इसके अलावा इंट्रोवर्ट नहीं बनना,
छोटी सी बात हो गई, किसी कोने में जाकर रोने लग गए, मन उदास हो गया, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं करता। अगर अपना स्वभाव इस तरह का बनाकर रखोगे तो फिर भाई आपकी तरक्की, जितना आप में टैलेंट है उतनी नहीं होगी। अगर कोई आपसे पंगा ले, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करे, पहले तो समझाए, जाते बुजुर्ग समझाते हैं कि भाई देख झगड़े में कुछ नहीं रखा, इस दुनिया में मृत्यु लोक में ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। लेकिन अगर वो ना समझे, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए, फिर चाहे आपको पाताल में जाना पड़े, जितना उसका नुकसान कर सकते हो उतना नुकसान कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार अगर पैसा खर्च करना पड़े वो भी खर्च कीजिए, लेकिन उस बात को आपने अपना प्रेस्टीज इशू, अपना इज्जत का सवाल बनाना है, फिर आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आगे चलते हैं। अगर भाई 6 नंबर की राशि कन्या राशि हो अष्टम भाव में, तो अगर आज से 50 साल पीछे चले जाए तो कन्या का हम अर्थ लेते थे कि शांत चित्त, और जो कलात्मक कार्य करता हो, सिलाई कढ़ाई दरिया वगैरह बुननी, जाते आपको मालूम ही होगा पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग कार्य करते थे। लेकिन अष्टम भाव में कन्या राशि, जब आज से अगर 100 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले की राज करे, तब तो सफलता का राज था कि थोड़ा अन्याय भी सहन कर लो, शांत की तरह, किसी की बात का बुरा नहीं मानना, घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना है, तो समाज में आपकी बहुत इज्जत थी कि भाई इसके जैसी पुण्य आत्मा तो कोई है ही नहीं। लेकिन आज के युग में कन्याएं फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर, या अब तो ये जमाना है कि सरकारी नौकरी में 80% लड़कियां सिलेक्ट होती हैं, 20% लड़के सिलेक्ट होते हैं, यानी पुरुषों से भी आगे आ गई हैं, और बहुत अधिक कॉन्फिडेंस है। अब इस जमाने में अगर अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो आपकी सफलता का राज ईंट का जवाब पत्थर से देने में है। जीवन में अगर दब गए तो मर गए, दूसरों को खुश करने के लिए काम करोगे तो समझ लो कि जीवन में आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। सफलता प्राप्त करनी है तो जो आपके दिल में एक भय है, जिसका कोई आधार नहीं है, आपको भी नहीं मालूम कि मैं क्यों डरता हूँ, मेरे दिमाग में फ्यूचर के प्रति, आने वाले समय के प्रति इतने नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, जब तक ये खत्म नहीं करोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। चाहे तो ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, या बुधवार किन्नरों को हरा कपड़ा दान कीजिए, लेकिन कुछ भी कर कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करेंगे तब आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आप इतने दलेर नहीं है जितना आप अपने आप को कई बार समझ लेते हो। दिल के किसी कोने में एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ है,
उस डर को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अगर जीवन में ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो चार दरवाजे खुलते हैं। ये बात मन में बिठाकर कार्य कीजिए, आपकी सफलता भाई निश्चित है। अगर सात नंबर राशि हो तुला राशि अष्टम भाव में, तो तुला राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू। तराजू का बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, तो आपको जीवन में कितने भी अनबैलेंस हालात आ जाएं, वो हालात इतने बुरे नहीं होंगे जितने आपको लगेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, आपको लगता है कि मैं क्या करूंगा, मेरा क्या कसूर था कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऐसे विचार बिल्कुल नहीं रख रहे। कितनी भी भाई खराब सिचुएशन आ जाए, पहली बात तो ये है कि कुंडली थोड़ी सी भी अच्छी हो, 99% केसेस में अष्टम भाव में तुला राशि हो तो बुरी सिचुएशन जीवन में नहीं आती। इतना जरूर है कि थोड़ी सी सिचुएशन बुरे की ओर जाती हो तो आपको बहुत बड़ी लगती है, बहुत बुरी प्रॉब्लम लगती है, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। और ऊपर से तो आप कॉन्फिडेंस दिखा देते हो कि मेरे में बहुत आत्मविश्वास है, मगर अगर आपके कारण कोई नाराज हो जाए, आपको इस बात का पता चल जाए कि मेरे कारण बहुत बंदा नाराज है, तो अपने 100 काम छोड़कर उसके साथ मीठी मीठी बातें करने जाओगे, उसको मनाने जाओगे, भाई नाराज है, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद अपने आप उसकी नाराजगी ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन तो वेट कीजिए। इतना पेशेंस रखिए, धैर्य की कमी है, धैर्य की कमी के कारण जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, सेल्फिश नहीं हो पा रहे, इमोशंस अधिक है, तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा, भावनाएं एक तरफ रखनी पड़ेगी और अपने आप को दूसरों के सामने भोला भाला दिखाना आपकी सफलता का राज है। मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, अष्टम भाव में 7 नंबर की राशि हो, तुला राशि हो, तो जो आपका फेस है, जब दूसरों से बातचीत करो भोला भाला लगना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे, किसी से अपना कोई भी कार्य निकलवा लोगे। इसके अलावा जीवन में छोटा सा घाटा पड़ गया, कोई बीमारी पर खर्च हो गया, अगर कोई बिजनेस है 4 दिन आमदनी कम हो गई, कोई फैक्ट्री है 6 महीने कोई दशांतर जैसा खराब आ गई, तो आप अपना दिल छोड़ देते हो, सोचते हो कि कोई दूसरा काम कर लूं, इसमें क्या रखा है, ऐसा नहीं सोचना। धैर्य बनाकर रखे, प्लानिंग बनाइए, उसके अनुसार काम कीजिए और जीवन में आपके पास इतने गुण हैं कि बहुत अच्छी इज्जत की रोटी आप खा सकते हो। एक बात और है, अष्टम भाव में तुला राशि हो
तो जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, जब मूड बहुत अच्छा हो आपका, तो किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं करनी कि मैं तेरा जे कार्य कर दूंगा, तुझे जब पैसों की आवश्यकता होगी मुझसे 5-10 लाख ले लेना। ऐसा कोई भी प्रॉमिस किसी के साथ नहीं करना। जब आपका समय अच्छा हो, आपका मूड अच्छा हो, नहीं तो भाई फ्यूचर में आपको इस तरह के प्रॉमिस निभाने मुश्किल हो जाएंगे। अगली राशि पर आते हैं, अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि हो, वृश्चिक राशि हो, काल पुरुष की कुंडली ले। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में एक राशि लिखी जाती है, तो उसके हिसाब से भी अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि बनती है, तो डबल हो गया ये काम। तो जो वृश्चिक राशि है उसका जो चिन्ह है वो है बिच्छू। तो भाई अष्टम भाव में जब वृश्चिक राशि विराजमान हो, तो एक तो बाहर से अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल कूल रखे, कोई आपसे कठोर वाणी में बात करे तो झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना। आपको अपना व्यवहार करने का ढंग तो अच्छा लगता है, मगर दूसरों को उसमें आपका अहंकार दिखाई देता है। और ये इंसान की नेचर है, आदत है कि दूसरों का अहंकार, जो इंसान का अहंकार होता है उसको चोट पहुंचाता है। अगर दूसरों को लगेगा कि आप में ईगो अधिक है, तो उसके ईगो को हर्ट होगा, उसका ईगो हर्ट होगा। इसलिए आसपास के लोगों को अहंकार बिल्कुल ना दिखाएं, तो वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे, आपके लिए समस्या पैदा नहीं करेंगे। दूसरा, अधिक न्यायप्रिय नहीं होना। जैसा देश वैसा वेश, इस नियम पर काम करना है आपको। शरेआम जय शो नहीं करना कि मेरा दिमाग छाती रहा, अगर मुझसे पंगा लोगे तो मेरे पास इस तरह की नीतियां हैं, मेरे इस तरह के लोगों के साथ संबंध है, मैं तो आपको एक दिन में ठीक कर दूंगा। ये सभी बातें गुप्त रखनी है, और इन बातों की आवश्यकता पड़ने पर जब इनका उपयोग करना हो, वो भी गुप्त ढंग से करना है, तो जीवन में आप बहुत तरक्की हासिल करोगे। खास तौर पर जो लोग राजनीति में हैं, उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अगली राशि 9 नंबर की राशि, अष्टम भाव में धनु राशि। इसका जो प्रतीक चिन्ह बनता है भाई, धनुष और तीर बनता है। तो धनुष और तीर किसके पास होगा? जो लड़ाई करना जानता होगा, झगड़ा करना जानता होगा, सेना में होगा, सेनापति होगा, उसके पास होगा। लेकिन जो धनुष और तीर विद्या में माहिर थे पहले जमाने के लोग, बहुत आदर्शवादी थे, यानी कि उनका जो काम करने का ढंग था आदर्शों पर चलता था, कि युद्ध भी करना है, दुश्मन के साथ व्यवहार भी करना है, वो भी आदर्शवादी होकर करना है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी ने आपका बुरा कर दिया तो उसका इतना बुरा नहीं करना,
कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। आप में कितनी भी शक्ति हो और आपकी जो सफलता है इस बात में छुपी हुई है कि समाज को ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी कि मैं भी कोई हस्ती हूं, मेरी बहुत चलती है समाज में, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि मैं आवश्यकता पड़ने पर उनका कानूनी गैर कानूनी सभी तरह के काम करवा सकता हूँ। मेरा दिमाग में शातिरपुना भी है और आवश्यकता पड़ने पर मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। ये बातें किसी को शो नहीं करनी, ये बातें आपको टॉप सीक्रेट करनी रखनी है। दूसरी बात, खास तौर पर पड़ोस में या कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा हो जाए, खास तौर पर किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति आपकी सफलता में विरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो किसी को धमकी नहीं देनी कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस समय विपरीत लिंग के जो व्यक्ति है उसके सामने भाई हाथ जोड़ दीजिए कि तू बड़ा या बड़ी, मैं छोटा, मुझे माफ करो, और फिर कूटनीति से उसका सफाया करना है। ये नहीं कि आपने हाथ जोड़ दिए और आपके हाथ जब आपने जोड़े उसके बाद जो आपका प्रतिद्वंदी है उसने भी हाथ जोड़ दिए तो मामला खत्म हो गया। अगर मामला खत्म कर दिया तो दूसरा व्यक्ति किसी दिन दुगनी शक्ति के साथ आप पर प्रहार करेगा, इसलिए उसका नाश करना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा अष्टम भाव में धनु राशि हो तो धार्मिक कार्य करते रहिए और गुप्त रूप से धार्मिक कार्य कीजिए। दान देना हो वो भी आपको गुप्त रूप से देना है। ये ना सोचे कि किसी तख्ती पर मेरा नाम लिखा हुआ हो कि इसने इतने पैसे दान में दिए हैं। दान दीजिए और भूल जाइए। अगली राशि मकर राशि। तो भाई 10 नंबर का अंक लिखा हो अष्टम भाव में, मकर राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, कलयुग के लिए अच्छा है। सफलता किसमें छुपी है? आपकी हर वक्त चुकन्ने रहना है, अपने शिकार को दूसरा मौका नहीं देना बचने का। अगर मगरमच्छ को कोई मछली दिखाई देती है तो एकदम उस पर झपटता है, उसका शिकार होता है। तो जीवन में जो आपसे शत्रुता करे उसको दूसरा मौका नहीं देना शत्रुता करने का। चाहे पंचायत में बैठकर चार बंदों में बैठकर आपसे माफी मांग ले, वहां तो आप कह दीजिए कि ठीक है, लेकिन जब तक बदला ना ले लो चैन से नहीं बैठना। इसके अलावा दूसरों से आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, रहम की भावना कम रखनी पड़ेगी, मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ेंगे तो जीवन में आप कामयाब होंगे। मैं रिपीट करता हूँ,
की रहम नहीं रखना और बेईमानी भी करनी पड़ेगी और शोज ये करना पड़ेगा कि मेरे जैसा शरीफ व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जानी मगरमच्छ के आंसू, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। कोई स्टेप असूल नहीं होने चाहिए जीवन में, जैसे बुजुर्गों के असूल होते हैं कि ऐसी ड्रेस पहननी है, जो मिल गया खा लिया, इन बातों से दूर रहना है। ऐसे असूल बिल्कुल ना हो, ड्रेस भी टिप टॉप हो और जो खाना है वही खाना है। परिवार के सदस्यों में भी आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि इसको ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है, ये ड्रेस पसंद है, ये ड्रेस पसंद नहीं है, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आपका जो वीक पॉइंट है वो है सुंदर वस्तुएं, चाहे सुंदर गाड़ी हो, सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, दिल बहक जाता है, तो इससे आपको बचना है। अगर दिल काबू में नहीं रहता तो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपका दिल आपके काबू में रहेगा। अगली राशि पर आते हैं, कुंभ राशि। 11 नंबर की राशि है भाई कुंभ राशि। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घड़ा है। आपको अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, सीक्रेट घड़े के जैसे रखनी पड़ेगी कि बाहर से तो सबको पता है मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन अंदर क्या है कुछ भी हो सकता है। इसकी खबर किसी को ना हो कि अंदर दूध है, पानी है, अमृत है, जहर है। इसका आपको सस्पेंस बनाकर रखना पड़ेगा कि आसपास के लोगों को पता ना हो कि आपके अंदर क्या है। आपको अपने गुण इस तरह के रखने पड़ेंगे कि जल्दी से कोई आपको समझ ना सके। कि अगर मैं इस तरह कह दूं कि लोगों के मन में ये हो कि भाई इसका तो पता नहीं चलता कि कब दिमाग कैसा हो जाए, इस तरह की पर्सनैलिटी रखनी है तो जीवन में कामयाब होगे। कभी मीठा पानी भी बनना पड़ेगा, कभी जहर भी बनना पड़ेगा। मित्र कम बनाए लेकिन अच्छे बनाए। अगर कोई शत्रु आपका मित्र होने का ड्रामा करता है तो उसको मालूम हो जाएगा कि घड़े में क्या है, फिर वो आपका नजायज लाभ उठाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या संचित है इसको राज बनाकर रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर अष्टम भाव में कुंभ राशि हो तो जब आपका घड़ा भर गया, यानी जब आपको लगा कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए, सभी सुख भोगने के लायक में हो गया, फिर पैसे जोड़ना बंद कर दीजिए और जीवन का आनंद लीजिए, सुख लीजिए, अपने शौक पूरे कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, इस तरह के काम कीजिए कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें और आपकी गति भी अच्छी हो, अगला जन्म भी अच्छा हो। इसके लिए अष्टम भाव में ये जो कुंभ राशि है बहुत अच्छी राशि है। अगली राशि पर आते हैं,
मीन राशि, 12 नंबर की राशि मीन राशि। तो भाई मीन राशि का जो चिन्ह है दो मछलियां हैं, लेकिन दोनों मछलियों का जो मुख है उसकी जो दिशा है वो डिफरेंट है, यानी दोनों का मुख अलग अलग दिशाओं में है। तो एक तो निर्णय लेते समय आपको बहुत तीव्रता दिखानी होगी, क्विक डिसीजन लीजिए, ये नहीं सोचना एक बार निर्णय ले लिया कि इसमें घाटा होगा या फायदा होगा, लाभ हानि नहीं सोचनी, एक बार जो निर्णय ले लिया ले लिया। उत्साह में आकर बड़े बड़े कानूनी काम कर देते हो, गैर कानूनी काम कर देते हो, गलत वाणी का उपयोग कर देते हो, दिमाग और दिल में कश्मकश चलती रहती है। दिमाग कहता है कि इसने मेरी बेइज्जती की, मैंने इसको सबक सिखाना है। दिल कहता है कोई बात नहीं, जहां किसी का क्या रखा है, एक दिन तो सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। तो ये कश्मकश नहीं रखनी, एक बार जो फैसला लेना है लीजिए। किसी का अच्छा करना है अच्छा करो, किसी का बुरा करना है बुरा करो, सोचते नहीं रहना। नई गाड़ी खरीदनी हो, घर में नया सामान लेकर आना हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, साइड बिजनेस शुरू करना हो, एक बार किसी से सलाह कीजिए, एक बार निर्णय लीजिए, फिर उससे पीछे नहीं हटना। 99% केसेस में आपका निर्णय सही साबित होगा। बाकी भाई कुंडली के ग्रह दशा अंतर दशा भी काउंट करती है। जय सोचे कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है कि एक क्षण में आप में बहुत उत्साह आ जाता है, शेर बन जाते हो, और दूसरे ही क्षण में डरपोक बन जाते हो, गीदड़ बन जाते हो। ऐसा नहीं करना, अपने आप में एक बैलेंस रखना। जीवन में जो हो गया, जो नुकसान हो गया, जो खराब बातें हो गई, भूल जाए उसको। जो हो गया सो हो गया, आगे चलिए। और एक बात मेरी नोट कर लीजिए, अष्टम भाव में मीन राशि हो, किसी के बहकावे में आकर किसी मित्र का गैर कानूनी काम में उसका साथ बिल्कुल नहीं देना, चाहे वो आपसे मित्रता रखे या आपसे मित्रता छोड़ दे, आपसे नाराज हो जाए तो भाई 100 बार हो जाए। अगर आपने किसी मित्र का गैर कानूनी काम में साथ दे दिया तो पहले तो आपके दिमाग पर ही इतना वजन आ जाएगा कि आपको जीवन जीना बहुत मुश्किल लगेगा। फिर कुछ लोग अगर लगन कमजोर हो, नशे का सहारा लेते हैं, कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया और मुसीबत अपने गले डाल ली। वो कहते हैं ना कि गले में मरा हुआ सांप डाल लिया, तो ऐसा काम हो जाएगा आपके साथ। दूसरा, किसी की शॉर्टी नहीं लेनी। किसी ने लोन लिया हो या लेना हो बैंक से, उसकी शॉर्टी नहीं लेनी। किसी की जमानत नहीं देनी, चाहे आपका कितना करीबी हो, किसी की जमानत नहीं देनी। अगर ऐसे काम कर दिए तो भाई आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, दिमाग पर इतना वजन आ जाएगा कि
जो आपका डेली का रूटीन है, रोज का जो कामकाज करते हो, उस पर असर पड़ेगा और स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके आसपास के लोग आपसे अधिक नाराज होते हो, तो भाई गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों का दान कीजिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अष्टम भाव में जो राशि होती है, अगर उसके गुण और दोष के अनुसार आप अपना जीवन जिएंगे, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं, यानी खुशी के साथ एक संपन्नता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।